Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Hope you all are fine with the grace of Allah Almighty. Alhamdulillah, I'm also very good. I'm Larai Bamir, English teacher of IIUI school, Dinga Campus. Ji, to grade 4, hum log parts of speech padh rahe the. Aur aaj humne kya padhna hai? Prepositions. Kya padhne hai aaj humne? Prepositions. Sabse pehle, aap log dekhenge iski proper definition kya hoti hai. देखें जरा, a preposition is a word or formed a short word that expresses the relationship between two other nearby words. In the examples below, each preposition shows us the relationship between the word book and the word table. Example देखते हैं नीचे हम लोग इसकी. The first example is the book about the table. इसमें इस सेंटेंस में ये बुक और टेबल को किसके थ्रू कनेक्ट किया गया है? अबाउट के थ्रू. ठीक है, अबाउट के थ्रू कनेक्ट किया गया है. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. तो इसमें अबाउट क्या होगा? हमारे पास प्रेपोजिशन होगा. ठीक है, नेक्स्ट देखें, द बुक बाय द टेबल. इसमें टेबल और बुक को किसके थ्रू कनेक्ट किया गया है? बाय के थ्रू. ठीक, हाँ जी. तो इसमें नियर क्या है? नियर हमारे पास प्रपोजिशन है. नीचे देखें, द बुक बिहाइंड द टेबल. इसमें बुक और टेबल को बिहाइंड के थ्रू कनेक्ट किया गया है. तो बिहाइंड क्या हुआ हमारे पास? प्रपोजिशन. द बुक अंडर द टेबल. इसमें हमारे पास क्या है? प्रपोजिशन अंडर. ठीक है, अंडर जो है वो कनेक्ट कर रहा है बुक को और टेबल को. तो अंडर हमारे पास प्रपोजिशन होगा. देखते हैं, देयर आर सम मोर एग्जांपल्स. इट इज कंटेनर ऑफ फॉर बटर. इट इज़ अ कंटेनर फॉर बटर. अब कंटेनर और बटर को, ये दो वर्ड्स हैं, ये किसके थ्रू कंबाइन हो रहे हैं? फॉर के थ्रू. देखें जरा, द प्रपोजिशन फॉर शोज द रिलेशनशिप बिटवीन बटर एंड कंटेनर. तो हैंस प्रूव्ड दैट फॉर इज अ प्रपोजिशन इन दिस सेंटेंस. वेरी गुड, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स. द ईगल soared above the clouds. तो इसमें अबव जो है वो इन दोनों वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है. तो अबव क्या होगा? इसका प्रपोजिशन होगा. देखें जरा, द प्रपोजिशन अबव शोज रिलेशनशिप बिटवीन क्लाउड्स एंड soared. तो ये हमारे पास अबव जो है ये इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन कर रहा है. देन अबव इज एन, क्या है अबव? एक प्रपोजिशन है. अबव इज अ प्रपोजिशन. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. ही इज पेडिस्टन ऑफ द कंट्री. अब पेडिस्टन कौन होता है बेटा? जो पैदल चल रहे होते हैं ना, उनको बोलते हैं. तो हमारे पास जो पेडिस्टन है वो क्या होते हैं? जो पैदल चल रहे होते हैं. एग्जांपल देखें, ही इज पेडिस्टन ऑफ आवर कंट्री. तो इसमें द प्रपोजिशन ऑफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द कंट्री एंड पेडिस्टन. हमारे पास ऑफ जो है वो क्या है इस सेंटेंस में? प्रपोजिशन है, क्योंकि ऑफ लिंक कर रहा है इन दोनों वर्ड्स को. नेक्स्ट देखें, हियर इज अ लिस्ट ऑफ कॉमन प्रपोजिशन. जो कॉमनली हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं प्रपोजिशन अपनी डेली लाइफ में, उनकी छोटी सी लिस्ट इधर मैंने बनाई हुई है. देखें जरा, अबव, अबाउट, अक्रॉस, अगेंस्ट, अलोंग, अमंग, अराउंड, एट, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बीनीथ, बिसाइड, बिटवीन, beyond, by, down, during, expect, for, from, in, inside, into, like, off, off, on, since, to, towards, through, under, until, up, upon, with, and within. Examples, इसके जो कुछ sentences आगे लिखे हैं वो देखें जरा. This pencil is on the desk. This pencil is beneath the desk. This pencil is beneath against the desk. The pencil is on the floor beside the desk. He held the pencil over the desk. He wrote with the pencil during class. He wrote the pencil across the table. The table is next to window. He walked along with his brother. अब ये जो words underline कर रही हूँ, ये आपके पास क्या है? Prepositions है, because these words are going to connect the two words. ठीक है, इन दोनों words को, pencil को भी और desk को भी किसने combine किया? On ने. तो on क्या होगा हमारे पास?
प्रेपोजिशन. यहाँ पे ऑन प्रेपोजिशन है, नीचे वाले सेंटेंस में बीनीथ प्रेपोजिशन है, उसके बाद अगेंस्ट है प्रेपोजिशन. अब इसमें बताएं जी, इस सेंटेंस में व्हाट इज द प्रेपोजिशन? ऑन, वेरी गुड वेरी गुड. इसके बाद बिसाइड, इसमें दो प्रेपोजिशंस आ गए हैं. ठीक है, कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें ज़्यादा भी प्रेपोजिशंस आ जाते हैं, जैसे कि ये वाला जो आपके पास फोर सेंटेंस आ गया है. नेक्स्ट देखते हैं, ही हेल्ड द पेंसिल ओवर द डेस्क, इसमें क्या है? ओवर, वेरी गुड. ही रोट विद द पेंसिल ड्यूरिंग क्लास, इसमें इस सेंटेंस में क्या है प्रेपोजिशन? सोचिए जरा, क्या है इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन? कौन सा वर्ड है जिसने कंबाइन किया है, कनेक्ट किया है, कौन सा वर्ड है वो? विद, वेरी गुड. तो विद क्या हुआ हमारे पास इसका सेंटेंस में? प्रेपोजिशन. और ड्यूरिंग क्या हुआ? प्रेपोजिशन. इसमें भी कितने प्रेपोजिशन हैं आपके पास? दिस सेंटेंस हैज टू प्रेपोजिशन. ठीक है, ही रोल्ड द पेंसिल अक्रॉस द टेबल, अक्रॉस क्या है? प्रेपोजिशन, क्योंकि अक्रॉस ने पेंसिल को और टेबल को कनेक्ट कर दिया. ठीक है, द टेबल इज नेक्स्ट टू द विंडो. अब आप लोग मुझे बताएंगे कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड है प्रेपोजिशन वाला, कौन सा वर्ड है इस सेंटेंस में? सोचिए जरा, कौन सा वर्ड है जिसने कनेक्ट किया हुआ है दोनों को? नेक्स्ट, ठीक है, नीचे देखें, ही वॉक्ड अलोंग हिज ब्रदर, इसमें जो अलोंग वर्ड है उसने इन दोनों को, वॉक्ड को, ब्रदर को क्या किया है? कनेक्ट कर दिया. ठीक है, तो ये हमारे पास विद क्या हुआ? प्रेपोजिशन. अब बेटा आप लोगों ने छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने हैं अपने नोटबुक्स पे या अपने लूज शीट्स, पेपर्स, पेजेस, जो भी आपको इजीली अवेलेबल है वो लेके उसके ऊपर 5-5 सेंटेंसेस लिखने हैं. और ये आपने इसमें जो होगा ना प्रेपोजिशन, उसको कलर भी करना है. ठीक है, तो इस तरह आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. कोई और कन्फ्यूजन है आप इसको रीप्ले करें इसी वीडियो को, और फिर इसको दोबारा से देखें. अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपकी वो सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर कर दूँ. तब तक के लिए दाफिज़.